हेलो दोस्तों, मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं एन इंडियन यूट्यूबर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक HP LaserJet 1005 प्रिंटर से फ़ोटोकॉपी किस तरीके से की जाती है। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है, जब हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं नई, तो हमें उसके बारे में ज़्यादा खास नॉलेज नहीं होती है और बहुत सी बार हमसे गलती होने के कारण वो ख़राब हो जाती है। तो इसी वजह से YouTube पर, आपको पता है, सोशल मीडिया पर नए नए वीडियो डलते रहते हैं, जिससे हम सबको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है और हम अपने जो कार्य हैं उसमें करने में सफल होते हैं और अच्छे तरीके से हम उसे वर्क करते हैं। तो इसी मेथड को हम आपके सामने लेकर आए हैं और मैंने आपके लिए एक प्रिंटर बाय किया है 1005, जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि जिस एक प्रिंटर से, यानी 1005 LaserJet से आप किस तरीके से फ़ोटोकॉपी करेंगे। मार्केट में नई नई तरीके के प्रिंटर आते रहते हैं और चीज़ें आती रहती हैं, और YouTube पर आपको पता है हर तरीके की वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। उसमें से ही एक वीडियो मेरी है जिसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से फ़ोटोकॉपी होती है HP में, क्योंकि मैंने भी काफ़ी टाइम पहले बहुत सारे प्रिंटर बाय किए हैं। उनमें से एक प्रिंटर ये है जो बेहद ख़ास है और इसका जो एक्सपीरियंस रहा है वो काफ़ी शानदार रहा है। और जिसके पास काफ़ी काम आता हो और शॉप वगैरह हो, तो आप इस प्रिंटर को लेने में हिचकिचाहट ना करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट और शानदार है। और जो इसका न्यू मॉडल है ये काफ़ी खूबसूरत है। इस वीडियो में आपको सब चीज़ दिखाई गई है और बताई गई है, तो देर न करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपके मन में कोई शंका या डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर टाइप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरे पास HP LaserJet का HP 1005 प्रिंटर है। ये मैंने अभी कुछ दिनों पहले बाय किया है। जब से मैंने ये लिया है, इसका एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी बेटर रहा है। आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि इससे आप कैसे फ़ोटोकॉपी कर सकते हैं, क्योंकि ये न्यू प्रिंटर मॉडल है। इसमें आप ओल्ड मॉडल से तो आप प्रिंटिंग, फ़ोटोकॉपी ये सब कर लेते ही होंगे, लेकिन फ़र्स्ट टाइम कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नई चीज़ होती है तो हमें कुछ नया करने में दिक्कत होती है। तो उसके लिए आपको पता है YouTube पर नई नई वीडियो डलती रहती हैं, जिससे हमें हेल्प मिलती रहती है। वैसे ही सेम मैंने भी आपकी हेल्प के लिए ये वीडियो बनाया है। तो मैं आपको इसमें बताऊँगा किस तरीके से आप फ़ोटोकॉपी कर सकते हैं। इसमें ये देखिए, आप इसमें देख सकते हैं HP LaserJet Tank MFP 1005W का ये मॉडल है। ऑलरेडी मैंने पेज इसमें लगाया हुआ है, और चलिए मैं आपको इसे ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है और ये बहुत सारे जो की दिए गए हैं, ये आपको एक कट का ऑप्शन दिया गया है, इससे आप कैंसिल कर सकते हैं किसी भी प्रिंट को। और ये आपको एक और एरो दिखाया गया है, ये हरा ग्रीन कलर का होता है। और एक ये ऑप्शन आपको दिखाया गया है, इससे आप प्रिंटर की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। एक ये आपको ऑप्शन शो होगा, इसमें आपको डबल कॉपी आप कर सकते हैं किसी भी ID कार्ड वगैरह की, बहुत साइड की हो जाती है इससे कॉपी। और ये फ़ोटो कॉपी का ऑप्शन है, आप जितनी चाहें 100 तक आप मैक्सिमम इससे कर सकते हैं। चलिए हम इसे ऑन कर लेते हैं। ये देखिए, ये ऑन होने लगा है। 3-4 सेकंड तक ये ब्लिंक करेगा और उसके बाद में यहाँ पे एक LED दी गई है और इसमें आपको प्रोसेसिंग दिखाई दी जाएगी। जब यहाँ रुक जाएगी तो समझ जाना कि यहाँ ये रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना शानदार व्यूज़ दिखाई दे रहा है हमें, और बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। काफ़ी टाइम हो गया इसे यूज़ करते हुए और मुझे खूब अच्छा इसका एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप के पास अच्छा काम आता है फ़ोटोकॉपी का, तो आप इसे बाय कर सकते हैं। मेरे पास पहले L3250 एप्सन का प्रिंटर था, लेकिन उससे काम नहीं चला क्योंकि वो हैंगिंग, रेड लाइट, ब्लिंकिंग प्रॉब्लम हो जाती है। ज़्यादा फ़ोटोकॉपी के मामले में ये ही बेटर रहेगा। तो देखिए, ये अच्छी तरीके से
तैयार हो चुका है, यानी रेडी हो चुका है। अब हम आपको फोटोकॉपी कैसे होती है ये दिखाएंगे। इसके लिए हमको ये कार्ड वगैरह ले लेते हैं। चलिए, ये हमने कार्ड ले लिया और हम इसे स्कैनिंग पर रखेंगे। ये देखिए, इसका स्कैनर काफ़ी अच्छा है, ये देखिए काफ़ी शानदार है और ये देखने में भी खूब लाजवाब है। चलिए हम इसे डाउन कर देते हैं। इसके बाद में आपको ये कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ से आप इसे फोटोकॉपी को जितनी इंक्रीज़ करना चाहें आप बढ़ा सकते हैं और जितनी डिक्रीज़ करना चाहें इस वाले ऑप्शन से आप डिक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ बीच में आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको ब्राइटनेस कम या ज़्यादा करने का ऑप्शन है। इससे आप कम कर सकते हैं, इससे आप ज़्यादा कर सकते हैं, तो आप जितनी रखना चाहें उतनी रख सकते हैं। तो फोटोकॉपी के लिए हमने बताया था ये वाले ऑप्शन हमें यूज़ करना है। चलिए हम इसे यूज़ कर लेते हैं, इसे एक बार प्रेस करेंगे। ये देखिए, ये स्टार्ट हो चुका है प्रोसेस और कुछ ही सेकंडों में हमारे सामने फोटोकॉपी हो गई है, प्रिंट बाहर आ गया। ये देखिए कितनी फास्ट स्पीड है इसकी और कितना अच्छा शानदार प्रिंट है इसका, देखिए बहुत ही अच्छा। अब हम आपको इस तरीके से ही बहुत साइड की यानी आईडी कार्ड वगैरह हो आपको उसकी फोटोकॉपी किस तरीके से करनी है वो आपको बताएंगे। इसके लिए आपको अपने इसमें पेज लगा लेने हैं, ऑलरेडी मेरे पास है लेकिन इस वाले पेज को भी इसमें डाल देता हूँ। तो डालने के बाद में आपको मैंने बताया था इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। एक बार इसे हमने क्लिक कर दिया, आप यहाँ पर देखेंगे P1 यानी एक प्रिंट हो चुका है। अब दूसरा हमें प्रिंट करना है यानी कि स्कैन करना है। स्कैन हमारा एक हो चुका है, हमें दूसरा स्कैन करने के लिए आपको इसे पलट के रखना होगा इस तरीके से, और आपको चेंज नहीं करना है ऊपर नीचे, थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हो, जैसे कि आप थोड़ा इसे डाउन कर सकते हो क्योंकि ज़्यादा इधर नहीं रखना है आपको, इसी हिसाब से यहाँ पर सेट रखना है। ये ऑटोमेटिक ही आपका जो है अच्छे तरीके से पेपर पर खुद ही सेट हो जाएगा। ये देखिए, ये कमांड मांग रहा है, आप इसका कमांड देंगे। ये देखिए मैंने इसका कमांड दे दिया और यहाँ पे ये प्रोसेसिंग हो रहा है। कुछ ही सेकंडों में हमारे सामने ये प्रिंट होकर बॉक्स साइड से खुद ही आ जाएगा। ये देखिए, इसका जब भी प्रिंट होकर आएगा ये नीचे की साइड से दिखेगा, ऊपर की साइड से नहीं। ऊपर की साइड से देखिए हमने करा था तो ये सिंगल था, ये देखिए सिंगल था, लेकिन हमने इसी पेज को दूसरी साइड से कराया, बॉक्स साइड से। ये देखिए काफ़ी शानदार क्वालिटी में हमें ये प्रिंटिंग दे देता है और बहुत ही कम कीमत पे हमें इसका खर्चा आता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा अगर आपके पास काम ज़्यादा आता हो तो आप इस प्रिंटर को बाय कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा और शानदार प्रिंटर है। मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ काफ़ी अच्छा रहा है क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले बाय करा है, मेरे पास काम काफ़ी आता है तो इस वजह से मुझे ये बाय करना पड़ा, और मैंने इससे पहले भी प्रिंटर परचेज़ किए हैं लेकिन उस सबसे बेटर मुझे HP लेजर जेट 1005 ही फोटोकॉपी के मामले में लगा है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप इसे बाय कर लें अगर आपके पास काम अच्छा आता है, और अगर आपको इससे ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं, मैं इस पर नई नई टॉपिक्स पर वीडियो बनाता रहूँगा। और भी मेरे पास बहुत टॉपिक्स हैं जिन पर मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, आप जाके मेरे चैनल में वो वीडियो से देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।